अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय कार्यकारी पार्षद महोदय का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, उसके बारे में उनको हृदय से बधाई देना चाहती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है यह बजट, लेकिन मैं यह भी देखती हूँ कि यह बजट जो है धीरे धीरे गति से समाजवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। अपनी नीति से यह भूतकाल और वर्तमान दोनों को एक कड़ी में मिलाकर हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है, ऐसा मुझे कहना है। इस भाषण में पढ़ने से कि इसमें हमारा कोई भी वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसे अछूता छोड़ा गया हो, क्योंकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और मैं यह समझती हूँ कि इस बजट के दौरान यह पूरी तरह से कोशिश की गई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जिसे हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कह सकते हैं, उस ढांचे में उस रीढ़ की हड्डी को और भी सशक्त बनाने का पूरी तरह से प्रयत्न किया गया है। हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिश की गई है इस बजट के अंतर्गत, वह है उनको सिंचाई के लिए कुएं, गाँव में उनके लिए पक्की सड़कें, जिससे उनके खेत और घर दिल्ली के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। जितनी भी इसमें व्यवस्था की गई है उससे ग्रामीण भाइयों को बड़ी भारी सहायता मिलेगी। मैं इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं यह नहीं कहती कि शिक्षा के दौरान ज़्यादा स्कूल ना खोले जाएं, पर हमारी यह नीति होनी चाहिए कि भले ही स्कूल थोड़े खोले जाएं, पर सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा नीति में परिवर्तन की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं। प्रजातंत्र को अगर हमें सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिक चाहिए जिन्हें अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान हो। शिक्षा की वर्तमान नीति से हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग होंगे और कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग नहीं होंगे। आज जहां देश के साधारण लोगों ने इस सरकार का हाथ बटाया, वहां एक वर्ग ने, जो कि धनी वर्ग कहलाता है, अपने साधनों के अनुसार सरकार के सुरक्षा कार्यों में सहायता नहीं की।